हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, आज मैं कहाँ आई हूँ तो आप लोगों को दिखाती हूँ मैं क्या करने आई हूँ। तो आप लोग देख के सोच रहे होंगे कि ये क्या दिखा रही हैं। तो हाँ फ्रेंड्स, आप लोग स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक बने रहिए मेरे वीडियो में, और वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं हम लोग आए हैं खेत, और जो खेत के किनारे पानी जमा हुआ होता है तो वही हम लोग आए हैं मछली मारने के लिए, और मॉस्किटो नेट के साथ आए हैं। और वहाँ पे मॉस्किटो नेट बिछाए हैं और मिट्टी से उसको किनारे किनारे दबा रहे हैं, और जो वहाँ पे पानी रहेगा सारा उसको उस मच्छरदानी में ही फेंकेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं मेरी देवरानी बाल्टी से वहाँ का पानी मच्छरदानी में निकाल रही हैं, तो जो भी मतलब मछली रहेंगे उसमें आ जाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे कितना सारा पानी है और आधा से ज़्यादा निकल चुका है पानी। तो देखिए, इसी तरह पूरा पानी बाल्टी से निकालना पड़ेगा। और देखिए, मेरे देवर उधर पे फिर से इसी तरह मतलब बांध रहे हैं, क्योंकि एक साथ में बहुत सारा पानी हो जाता है और उतना सारा पानी निकालना मतलब बहुत मेहनत का काम होता है, एक साथ नहीं होता है फ्रेंड्स। जो जो मच्छी मारते हैं उनको ज़रूर मालूम होगा कि मछली मारना कितना मेहनत का काम होता है। और देख सकते हैं यहाँ पानी कम हो गया है तो मच्छी ऊपर आ रहे हैं और मेरी देवरानी हाथ से भी उठा रही हैं। तो देखिए, मच्छी भी दिखाई पड़ रही हैं अभी, क्योंकि पानी ख़त्म हो गया है। तो देखिए आगे कि मछली कितना मिलता है हम लोगों को, तो आप लोगों को दिखाऊंगी मैं कि हम लोगों को कितना मच्छी मिलेगा। यहाँ पानी बहुत कम होने की वजह से मग्गा से पानी निकाल रहे हैं जो जग है, तो आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि बाल्टी बड़ा हो जाएगा तो मग के द्वारा ही पानी निकाल निकाल के बाल्टी में डाल रहे हैं, उसके बाद में मॉस्किटो नेट में डाल रहे हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स आप लोग, फिश कितना सारा मिला है हम लोगों को। तो ऐसे ही हम लोग पूरा यहाँ का पानी को मतलब बाल्टी से निकाल निकाल के मॉस्किटो नेट में निकालेंगे, और देख सकते हैं इसी तरह हम लोग को मतलब मछली मिलेगा। तो चलिए आगे आप लोगों को दिखाती हूँ कि हम लोग कितना सारा मछली मिलेगा। तो इसी तरह फ्रेंड्स, हम लोग ना 3 times मतलब मॉस्किटो नेट से हम लोग फिश मतलब निकाले हैं बाहर, तो देख सकते हैं कि कितना सारा फिश हम लोगों को मिला है। तो आगे वीडियो में बने रहिए। और मैं यहाँ पे फिश उठा रही हूँ फ्रेंड्स, और उठा भी नहीं पा रही हूँ, बहुत मतलब थक चुकी हूँ मैं उठा उठा, क्योंकि बहुत सारा था और 3 times मतलब मॉस्किटो नेट से निकाले थे तो 1 का हुआ ही नहीं था, फिर दोबारा और तिबारा भी आ गया। तो इतना सारा मतलब रेती भी उसमें था, कचरा भी था और बहुत सारे कीड़े वगैरह सब भी थे जो पानी में रहते हैं, तो मैं उठा ही नहीं पा रही थी। तो बाद में मेरी देवरानी देवर सब साथ में, मेरे हस्बैंड सब आए साथ में, हम लोग उठाए पूरा। और यहाँ पे देख सकते हैं जो ये क्या बोलते हैं इसको, शंख होता है एक प्रकार का, तो आप लोग के साइड में क्या नाम से बुलाते हैं। और यहाँ पे झींगा है देख सकते हैं खेत का छोटा छोटा, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स कि मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। और देखिए, हम लोग मछली के बाद में हम लोग नदी चले गए थे, क्योंकि हमारे घर के पास में ही नदी है और नदी के उस साइड में हमारा खेत है और इस साइड में घर है। तो घर रिटर्न आए तो फिर नदी में ही हम लोग मछली साफ़ करने लगे, क्योंकि मछली साफ़ करने में फ्रेंड्स बहुत सारा पानी लगता है, और एक तो खेत का था तो उसमें कचरा भी था, मॉस्किटो नेट से फंसाए थे। तो देख सकते हैं अभी यहाँ पर धोने को नहीं होगा, तो हम लोग मॉस्किटो नेट है ना बिछा के उसमें हम लोग पूरा मछली एक एक करके बीनेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग मॉस्किटो नेट को बिछा के मछली को फटाफट से सफाई करेंगे, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है और हवा भी बहुत चल रहा है और छोटी छोटी मच्छी है तो बहुत टाइम लग जाएगा। अभी हमें नहाना भी है, और आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग थक चुके हैं तो बैठ के हम लोग सफाई कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं मैं नहा के बैठी हूँ और नदी के किनारे ही बैठी हूँ, आप लोग देख सकते हैं इधर पानी है।
ठंड लग रही है इसके वजह से मैं थोड़ा सा धूप में बैठी हूँ। और अभी हम लोग जाएंगे घर, तो आप लोगों को मैं दिखाऊंगी मछली कितना सारा हुआ है। उस समय तो कचरे के साथ था, छाट रहे थे हम लोग, साफ सफाई कर रहे थे, तो मैं आपको आप लोगों को दिखाई थी, तो अभी घर जाके दिखाऊंगी। और आप लोग देख सकते हैं अभी इधर से ऊपर चढ़ेंगे तो ऊपर में घर है, आप लोग देख सकते हैं, और नीचे के साइड में नदी है, तो हम लोग इधर ही नहाने के लिए आते हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मछली घर में, तो मेरे वीडियो में बने रहिए। तो फ्रेंड्स मैं फिश नहीं दिखा पाई क्योंकि साफ करने के बाद देवर के हाथ में हम लोग भेज चुके थे, और हमारे आने के पहले ही सासू माँ ने तवे पे फ्राई करके मतलब रख चुका था, तो आप लोग देख सकते हैं। और लेके आए हैं इमली क्योंकि उसमें डालने के लिए। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।